ग्वालियर संभाग की एडिशनल कमिश्नर सपना निगम आज अशोकनगर जिले के दौरे पर थी। म्यापुर गांव के पास से जब वह निकल रही थी तो किसानों ने उनको रोककर अपनी बर्बाद एवं खराब हो चुकी फसल के बारे में बताया। अधिकारी ने फसल देखी एवं उसके सर्वे की बात को आगे बढ़ाने का भी आश्वासन दिया, मगर बातों ही बातों में उन्होंने किसानों को बताया कि वह सर्वे के लिए नहीं आई, बल्कि बाढ़ एवं अतिवर्षा के कारण पूर्व में जो नुकसान हुआ था उस दौरान जिला प्रशासन ने जो मुआवजा बांटा था उसका निरीक्षण करने के लिए आई है, कहीं इस वितरण में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। किसानों को जब यह बात मालूम पड़ा कि यह सर्वे करने के लिए ना आकर पूर्व में हुए राहत राशि की निरीक्षण के लिए आई हैं तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री जगराम सिंह यादव ने बताया कि क्षेत्र के किसानों को यह जानकारी थी कि संभाग स्तर के अधिकारी को यहां आना है और वह गांव का निरीक्षण करेंगी, संभवतः फसल का भी निरीक्षण कर सकती हैं। इसलिए बहुत से किसान मौके पर पहुंचे, मगर जब उनको यह मालूम पड़ा कि यह काम दौरा किसी भी तरह से सर्वे को लेकर नहीं है तो उनको मायूसी हुई। इसके बाद भी उन्होंने एडिशनल कमिश्नर को अपनी खराब हो चुकी फसलों के बारे में बताया, साथ ही उन्होंने खेतों की स्थिति के बारे में भी उनको बताया। कुछ खराब हो चुकी फसल भी महिला अधिकारी के सामने रखी, मगर इस बात को लेकर और उन्हें मायूसी हुई कि महिला अधिकारी इन सारी चीज़ों से अनभिज्ञ थी। मगर इसके बाद भी उन्होंने सारी बातें नोट की तथा इनके वीडियो एवं फोटो लेने की भी बात कही तथा इन्हें आगे बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित देने का भी आश्वासन दिया है। उल्लेखनीय है कि जिस वक्त एडिशनल कमिश्नर खेतों का मुआयना कर रही थी उसी समय खराब हो चुकी फसलों के खेत में मवेशी घुसे हुए थे। किसानों ने उनको बताया कि यह फसल इतनी खराब हो चुकी है जिन्हें काटा भी नहीं जा सकता, इसलिए इनमें मवेशी छोड़ दिए गए। हमको पता चला कोई कमिश्नर मैडम आ रही हैं और वो सर्वे के लिए आ रही हैं, तो हम वहाँ मैडम के पास पहुँचे, उनको रोका, रोड पर भी निकल रही थी, उनको हमने रोका और उनसे पूछा कि आप सर्वे करने आई हैं। वह बोली कि भाई मैं सर्वे करने नहीं आई, मैं तो इसलिए आई हूँ कि यहाँ मुआवजा कितना बट गया और ज़्यादा तो नहीं बट गया, इसलिए मैं आई हूँ। हमने आग्रह करके उनको जीप में से उतारा, उनको फसल बताई तो बेचा कहने लगी वहाँ मवेशी भग रहे थे। वह जब बोली कि भैया ये मवेशी को क्यों छोड़ा है, हमने कहा इसमें नुकसान है, इसमें कोई कटहरा नहीं, इसमें कुछ नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा ये नुकसान किससे हुआ है, हमने कहा यह अति बरसात से हुआ है, बाढ़ से हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मतलब बाढ़ से हुआ है, हर साल होता है कि आपकी साल हुआ है। हमने कहा आपकी साल हुआ है, हर साल बाढ़ नहीं लगती, हर साल अति वर्षा नहीं होती है